Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So, welcome back in on channel, myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So, in this particular video, we talk about kingdom planting in details and interesting manner. So, I hope you really enjoy this session. So, if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box of my channel and about section of my channel. So, please go through about section of my channel and press the social media icon and join with us. So, I hope you really appreciate it with me. Let's start without wasting any time. Enjoy the video. Till end. So start today's topic. So today's topic is the algae. What is algae? So we detail discuss in this video. Algae are chlorophyll bearing, yani algae jo hota hai hamara chlorophyll bearing simple thalloid autotroph and largely aquatic. Aquatic में कौन कौन से हो सकते हैं, या तो फ्रेश वाटर होगा या मराइन वाटर होगा, इसमें बहुत ही और मतलब जो हमारा algae होता है वो chlorophyll bearing होता है, यानी क्लोरोफिल बियर किए होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि सिंपल होता है, यानी सिंपल हो जाएगा और थैलस थैलॉइड हो जाएगा, थैलस लाइक ऑर्गेनिज्म यानी थैलस बॉडी होगी, और ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमारा क्लोरोफिल होता है हायर प्लांट के तरीके, तो ये अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। एंड लार्जली एक्वाटिक, और बहुत मात्रा में ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मराइन वाटर भी हो सकते हैं ना। दे अकर्स इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, ये हमारे और भी अदर हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जहाँ जैसे मॉइस्ट स्टोन मतलब नमी वाला पत्थर, सॉयल पे यानी ज़मीन पे, वुड पे यानी लकड़ी पे। सम ऑफ देम आल्सो अकर एसोसिएशन विद सम ऑफ देम आल्सो अकर एसोसिएशन विद फंजाई, जिसमें कि कुछ होते हैं कि एसोसिएशन विद फंजाई यानी एल्गी और फंजाई मिलके हमारे लाइकेन बनाते हैं। एंड एनिमल्स जो हमारा ये स्लॉग बियर पे भी हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारा एल्गी और फंजाई मिलके हमारा लाइकेन बनाते हैं एसोसिएशन, और एल्गी और हायर प्लांट के रूट ऑफ हायर प्लांट के एसोसिएशन से हमारा माइकोराजिया बनता है, ठीक है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, जो हमारी एल्गी का साइज होता है और उसकी जो फॉर्म होती है वो हाईली वेरिएबल होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारा ये होता है साइज और शेप के बेसिस पे अपना मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। तो एल्गी का साइज हमारा हो सकता है कॉलोनियल हो सकता है, कॉलोनियल फॉर्म जो होता है एल्गी की होती है वॉलबॉक्स होती है, और जो वॉलबॉक्स की कॉलोनी को बोलते हैं हम इसको सिनोबियम बोलते हैं, जो हमारी वॉलबॉक्स की कॉलोनी होती है उसको हम सिनोबियम बोलते हैं, और जो हमारी एल्गी की कॉलोनियल फॉर्म है वो हमारी वॉलबॉक्स है, ठीक है। वॉलबॉक्स एंड फिलामेंटस जो होता है, फिलामेंटस फॉर्म क्या होते हैं हमारा, लाइक एलोथ्रिक्स यूलोथ्रिक्स हो सकता है, स्पायरोगायरा हो सकता है, ये हमारी फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है, यानी फिलामेंटस यानी धागे की तरीके से फॉर्म होगी इसकी। एंड फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म, जो कि कुछ मराइन फॉर्म होती हैं, मराइन फॉर्म क्या है जैसे केल्प है, जो हमारा केल्प होता है ये मराइन फॉर्म होता है, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, जो केल्प की हाइट होती है एक मैसिव प्लांट बॉडी यानी 100 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है, ठीक है, ये हमारा ये एक एल्गी है, ठीक है, मराइन, ठीक है। द एल्गी रिप्रोड्यूस, जो एल्गी हमारा रिप्रोड्यूस करता है वो कैसे करता है, जो हमारा एल्गी रिप्रोड्यूस करता है वो हमारा वेजिटेटिव से करता है, एसेक्सुअल से करता है, एंड सेक्सुअल मेथड से करता है, यानी वेजिटेटिव से हमारा करता है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन है ना, ये आता है। एसेक्सुअल से स्पोर बनते हैं, जो स्पोर्स एप्लेनो स्पोर कोनोडिया स्पोर्स ये सब हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में, ठीक है। एंड सेक्सुअल मेथड में सेक्सुअल मेथड आते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन, जो हमारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये हमारा फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म की कोई पार्ट्स बॉडी का पार्ट्स काट के डाल दो तो वो फिर से न्यू प्लांट बॉडी बना लेता था, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू ए थैलस, यानी एक जो प्रत्येक फ्रेगमेंट था वो एक थैलस यानी प्लांट बॉडी, ठीक है, यानी एल्गी की बॉडी बना लेता था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था हमारा वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बना रहा था, ठीक है, उससे हो रहा था, डिफरेंट टाइप की स्पोर्स से हो रहा था, जिसमें कि मोस्ट कॉमन स्पोर हमने आपको बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है वो हमारा जू स्पोर होता है, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। दे आर फ्लैजिलेटेड, ये हमारा जू स्पोर्स होता है ये फ्लैजिलेटेड होता है, एंड ऑन जर्मिनेटिंग गिव राइज न्यू प्लांट बॉडी, और ये हमारा जर्मिनेट करता है और हमारा जिन्नी प्लांट बॉडी बना देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब गैमेट का फ्यूजन होगा, है ना, टू गैमेट होंगी वो फ्यूज करेंगे, है ना, गैमेट टू गैमेट क्या हो सकते हैं,
टू गैमेट यानी मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, है ना। दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ये गैमेट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर साइज हो सकते हैं, ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर साइज हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिस, है ना। ये यूलोथ्रिस में जो हमारे गैमेट होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज होते हैं। और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी जिसमें कि फ्लैजिला नहीं होगा, जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा, फ्लैजिला हमारा हेल्प करता है मोटाइल में, यानी वो इसमें मोटिलिटी होगी, इसमें फ्लैजिला होगा, अगर फ्लैजिला नहीं है तो उसको हम नॉन फ्लैजिलेटेड बोलेंगे और नॉन मोटाइल बोलेंगे। बट सिमिलर इन साइज यानी नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल बट सिमिलर साइज, सिमिलर साइज यानी आइसोकेमस स्पायरोगाला हो गया हमारा, तो हम इसमें क्या करेंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल और आइसोकेमस का हमारा स्पायरोगाला हो जाएगा, और फ्लैजिलेटेड और आइसोगैमस जो होगा सिमिलर साइज होगा वो यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, तो ऐसे टाइप को रिप्रोडक्शन को माइसोगैमस बोलते हैं, आइसोगैमस मतलब जो गैमिट हों वो सेम हों, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट डिसिमिलर इन साइज, अगर हमारे टू गैमिट होंगे डिसिमिलर इन साइज होगा, उनका साइज सेम नहीं होगा, एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना, जो हमारी यूडोरिना की स्पीसीज होती हैं तो उसको हम, उसमें जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो एनाइसोगैमस टाइप का होता है, जिसमें कि फ्यूजन होता है, ठीक है, एनाइसोगैमस टाइप का होता है। फिर दिया है द फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक लार्ज यानी बड़े, एंड नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होगा यानी जो मोटाइल नहीं होगा तो एक जगह रुका रहेगा, यानी स्टैटिक होगा, स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ, ठीक है, फीमेल गैमेट, एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट टर्मेर ओगैमस, जो हमारा एक लार्ज नॉन मोटाइल होगा, यानी लार्ज नॉन मोटाइल होगा वो हमारा फीमेल गैमेट, और स्मॉलर यानी छोटा, जो छोटा होगा वो ज़्यादा उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब वो अपने इधर से उधर ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट जो हमारा फ्यूज करते हैं, तो हम इस टाइप के रिप्रोडक्शन को ओगैमस बोलते हैं, ओगैमस बोलते हैं, ठीक है, जिस जो कि हमारे वॉलबॉक्स में पाया जाता है और ये फ्यूकस में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो होता है वो गैमेट्स क्या होता है, जिसमें कि हमारा एक लार्ज नॉन मोटाइल होता है वो, जो कि हमारा स्टैटिक होता है वो फीमेल होती है, फीमेल गैमेट होता है, और जो हमारा स्मॉलर होता है मोटाइल होता है वो मेल गैमेट होता है, जब दोनों फ्यूज करते हैं तो उसको हम ओगैमस टाइप का बोलते हैं। ओगैमस होता है जो हमारा वॉलबॉक्स हो गया और हमारा फ्यूकस हो गया, ठीक है, इसमें होता है। ये हमारे कुछ दिए हुए हैं, जैसे वॉलबॉक्स का स्ट्रक्चर हमारा, ये हमको वॉलबॉक्स का दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे ग्रीन एल्गी के बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ ए, एल्गी जो हमारा है बहुत सारी तरीके से हमारे हुमन के लिए, मैन के लिए यूजफुल है। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, मतलब आधी से ज़्यादा मात्रा में जो हमारी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी एल्गी फिक्स करती है, यानी हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हमको ऑक्सीजन देती है थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने आपको बताया था जो एल्गी में होता है ना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो होता है हमारा वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है सनलाइट की प्रेजेंस में और हमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ठीक है। बींग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट, मतलब ये फोटोसिंथेटिक होने की वजह से, ये फोटोसिंथेटिक है तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस करता है और लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट में रिलीज कर देता है, ठीक है। दे आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल, ये जो कि हमारा पैरामाउंट होता है मुख्य एनर्जी का प्रोड्यूसर है, जो कि हमारे एक फूड साइकिल ऑफ जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनकी फूड साइकिल की बेसिस है, मतलब बेस है उसकी फूड साइकिल का हेल्प करता है, ठीक है। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, जो हमारी पोरफायरा की स्पीसीज होती हैं, पोरफायरा लेमिनेरिया, जो हमारा पोरफायरा ये रेड एल्गी है ना, लेमिनेरिया एंसारगाशम आर एमोंग 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज एज फूड, जो हमारी मैनी स्पीसीज होती हैं बहुत सारी स्पीसीज पोरफायरा की होगी, लेमिनेरिया की होगी, सारगासम की होगी, एंड 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी जो हमारी फूड के रूप में यूज होती हैं। सर्टेन मैराइन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी,
जो हमारी कुछ ब्राउन एल्गी होती हैं और रेड एल्गी होती हैं, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। जो हमारी मैराइन एल्गी होती हैं यानी रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी होती हैं, वो हमारे हाइड्रोक्लोराइड्स बनाती हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या मतलब होता है? हाइड्रो मतलब हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब हुआ वाटर, ठीक है, हाइड्रा मतलब वाटर, और कोलाइड मतलब किसी चीज़ को कोलाइड सबस्ट्रेट को पकड़ लेना, मतलब कोलाइडल बना लेना, है ना, वाटर होल्डिंग सबस्ट्रेट यानी किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे कोलाइड का मतलब पकड़ना वगैरह और हाइड्रो से मतलब वाटर, तो इतना हाइड्रोक्लाइड वाटर को पकड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जो होता है एल्जिन होता है, एल्जिन जो हमारा ये हमारा है ब्राउन एल्गी है, इसमें हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है एल्जिन ब्राउन एल्गी है क्या है, ये किससे बनता है, तो एंड जो कैराजिन होता है ये हमारा रेड एल्गी से बनता है, ठीक है। तो हम इसके लिए आपको भी एक ट्रिक बताते हैं, जैसे सिंपल है वो सभी जानते हैं, ए होता है, ए के बाद हमारा क्या आता है, बी आता है ए बी सी डी में, ठीक है। तो हम इससे ऐसे देख लेंगे, ए से बी यानी ए के बाद बी, तो यानी एल्जिन जो होगा वो ब्राउन एल्गी से बनेगा, और सी आर, सी आर अपना अलग से याद कर लेंगे, एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक हमको याद आ जाएगा एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो सी आर यानी कैराजेनिन यानी रेड एल्गी से बनता है, ठीक है, सिंपल था। विच आर यूज कॉमर्सली, जो कि हमें कॉमर्सली यूज होता है, अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंग्लेसेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। जो हमारा अगार होता है, जो अगार अगार होता है, ये हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है, ऑप्टेन होता है हमारा जिलेडियम और ग्लेसेरिया से, जो जिलेडियम एंड ग्लेसेरिया होता है, ये हमारा रेड रेड एल्गी है, जो कि हमारा किसमें यूज होता है, इसका इसका जो यूज होता है हमारे माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स को ग्रो कराने में, माइक्रोब्स को हम ग्रो कराते हैं, हम आइसक्रीम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, तो इसमें माइक्रोब को ग्रो कराते हैं, है ना। क्लोरेला एंड क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गा, जो हमारा क्लोरेला है ये यूनिसेलुलर एल्गा है, जो कि प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है, एक हमारा स्पायरुलिना भी होता है, ठीक है, ये हमारा प्रोटीन रिच होता है, जो क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच प्रोटीन इज यूज एट सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रेवलर। ये हमारा प्रोटीन रिच होता है, इसीलिए हम जो हमारे स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री, तो वो अपने साथ खाना तो ले नहीं जा सकते हैं, खाना ले जाएंगे ख़राब हो जाएगा उनका, ठीक है। तो वहाँ पे एक पाउडर के फॉर्म में कोई प्रोटीन 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 ले जाते हैं, पाउडर के फॉर्म में, पाउडर का फॉर्म में ख़राब नहीं होता है, और वो अपना उनके बेसिक नीड, जो फूड की बेसिक नीड होगी वो पूरी हो जाती है, प्रोटीन की नीड पूरी हो जाती है, उनके मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम मतलब हवा में उड़ते हैं, तो हमारे मसल्स को स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस वजह से प्रोटीन होता है, वो हमारे मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन क्लासेस, जो हम एल्गी को पढ़ते हैं तीन मेन क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी से पता चल रहा है जो क्लोरोफिल होता है हमारा वो ग्रीन होता है, ठीक है, एलोइस ग्रीन होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कलर होता है एलोइस ग्रीन होता है, और जो हमारा फियोफाइसी होता है, फियोफाइसी को हम बोलते हैं रोडो ब्राउन, ठीक है, फियोफाइसी हो गया ब्राउन, और जो रोडोफाइसी हो गया वो रेड हो गया, आर से पता चल रहा है हमें, आर से रेड, आर से रोडो, ठीक है, याद रखना, क्लोरोफाइसी ग्रीन और ये फियोफाइसी ब्राउन, तो यानी क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी हमारी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी हमारी रेड एल्गी। तो हम देख लेते हैं आगे, जो हमारा क्लोरोफाइसी हो गया, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा, जो हमारे मेंबर क्लोरोफाइसी के होते हैं इनको हम ग्रीन एल्गा, कॉमनली इनको हम ग्रीन एल्गा बोलते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, यानी एक सेल से मिलकर बनी हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है यानी कॉलोनी बना के रह सकती है, और फिलामेंटस हो सकती है, मतलब वो धागे के नुमे, धागे के नुमा होते हैं, धागे के तरीके, फिलामेंट के तरीके, ठीक है, फिलामेंटस हो सकती है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, ये हमें ज़्यादातर ग्रास ग्रीन कलर की दिखती हैं, ग्रास ग्रीन कलर की दिखती हैं, वो क्यों दिखती हैं, क्योंकि इसमें डोमिनेंट पिगमेंट होता है जो हमारा क्लोरोफिल ए एंड बी होगा। मैं आपको बता दूं, जो जितनी भी क्लोरोफाइसी जितनी भी एल्गी हैं, यानी क्लोरोफाइसी हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी हैं, इसमें जो एक मेन पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए, तो सब में कॉमन होगा, ये हमको नोट करने वाली चीज़ है, समझने वाली है, कि क्लोरोफिल ए है वो सब में कॉमन होगा, और जो हमारा उसके अलावा जो होगा एडिशनल वो अलग अलग होगा, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बी, द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डिफिनाइट क्लोरोप्लास, जो हमारा पिगमेंट होता है ये हमारे डिफिनाइट क्लोरोप्लास में लोकेटेड होता है,
क्लोरोप्लास्ट हमारे मीजोफिल सेल में होते हैं, जो मीजोफिल सेल होती है हमारी लीफ की, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क शेप भी हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है और रेटिकुलेट हो सकता है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लेट लाइक हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट लाइक हो सकता है। डिस्क लाइक होता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट लाइक, कप लाइक और स्पायरल लाइक, और यहाँ पे यहाँ तक कि रिबन लाइक हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। जो हमारी मोर ऑफ द मेंबर होते हैं जिसमें वन और मोर स्टोरेज बॉडी होती हैं, जो हमारी एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी हो सकती हैं, जिसको हम पैरेनॉइड बोलते हैं। एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी जिसको हम पैरेनॉइड बोलते हैं, जो पैरेनॉइड होती हैं हमारी, वो हमारी क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती हैं। पैरेनॉइड कंटेन प्रोटीन, जो पैरेनॉइड होता है, जो हमारा पैरेनॉइड हुआ, पैरेनॉइड किधर गया, पैरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी जो हमारा पैरेनॉइड होगा वो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब जो हमारा प्रोटीन होगा वो बीच में होगा और स्टार्च की हमारी चारों तरफ कवरिंग होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, सम एल्गी में भी स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। जो हमारी कुछ एल्गी होती हैं जो हमारी फूड को स्टोर करती हैं ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। ठीक है, ग्रीन एल्गी यूजली हैव रिजिड सेल वॉल। जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है उसमें एक रिजिड सेल वॉल होती है, मेड ऑफ जो हमारी बनी होती है, जो ग्रीन एल्गी में एक रिजिड सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, इनर लेयर जो बनी होती है हमारी सेलुलोज की बनी होती है, एंड आउटर लेयर जो होती है हमारी पेक्टोस की बनी होती है। जो हमारी ग्रीन एल्गी में इनर लेयर सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो हमारी पेक्टोस की होती है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यूजली हमारा टेक प्लेस होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। जो हमारा डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स भी फॉर्मेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स होते हैं, जो कि हमारे मोटाइल होते हैं, जो कि मैंने अभी पिछले आपको पीछे बताया था आपको। ठीक है, प्रोड्यूस इन जू स्पोरंजिया, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे जू स्पोर्ट्स में, जो हमारे जू स्पोर्ट्स बनते हैं, जू स्पोर्ट्स जो हमारे होते हैं वो जू स्पोरंजिया में बनते हैं, तो उससे होता है। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर हमको ये घुमा सकता है कि जो हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर की जगह वो जू स्पोरंजिया दे सकता है आपको, है ना, और जू स्पोरंजिया की जगह आपको जू स्पोर दे सकता है। तो हमको ये कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, जो कि हमारे जू स्पोर जो बनते हैं वो हमारे जू स्पोरंजिया में बनते हैं। ठीक है, दस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सौ कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ओगेमस। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा वेरिएशन तो कर सकता है सेक्स टाइप के फॉर्मेशन में, सेक्स सेल के फॉर्मेशन में, कि मतलब किस टाइप से सेक्स का फॉर्म, सेक्स सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इट मे बी आइसोगेमस, आइसोगेमस का मतलब मैंने आपको बताया था सेम टाइप के गैमेट जिनका साइज जो होगा वो सेम होगा उसको हम आइसोगेमस बोलेंगे। ठीक है, एन आइसोगेमस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ साइज, उनके जो गैमेट का साइज होगा वो डिफरेंट होगा, उनको हम एन आइसोगेमस बोलेंगे। एंड ओगेमस जो होगा, ओगेमस मैंने आपको बताया था जो कि हमारा वॉल बॉक्स और फ्यूकस में पाया जा रहा था, ओगेमस में क्या होता है, हमारा जो फीमेल होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो हमारा स्टैटिक होता है, यानी नॉन मोटाइल होता है और लार्ज इन साइज होता है। ठीक है, जो हमारा मेल गैमेट होता है वो हमारा स्मॉल साइज होता है, वो मोटाइल होता है। जब हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है और फ्यूज करता है तो हमारा फर्दर प्रोसेस होता है। ठीक है, आइसोगेमस। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा, जो हमारी सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा के हमारे एग्जांपल दिए हैं, ग्रीन एल्गा के एग्जांपल जो हमें एनसीईआरटी में दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारा इन्हीं से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। ठीक है, इसके एग्जांपल जो हमारे क्लेमाइडोमोनास, वॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। ठीक है,
तो अब ये कैसे याद होगा एग्जांपल, ये तो हमने पढ़ लिए भाई, क्लेमाइडोमोनास हो गया हमारा, वॉलबॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगारा हो गया एंड कारा हो गया, ये हमारे एग्जांपल हैं ग्रीन एल्गी के। सो इसको हम याद करने के लिए कुछ तो ट्रिक देंगे ही आपको, है ना, बिना ट्रिक के तो काम होगा नहीं, तो देखते हैं। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक हम देख लेते हैं, सिंपल ट्रिक है। देखो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलबॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगारा हो गया एंड कारा हो गया। तो इसके लिए एक हम ट्रिक बना सकते हैं, देखिए सी सी एस यू वी, यानी सी 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 से मतलब हमारा, जो हमारा सी से मतलब हुआ, सी से मतलब हुआ हमारा सी से, ठीक है, सी एक सी से मतलब हुआ क्लासिक कार एसयूवी, एसयूवी जो हमारी कार होती है वो बहुत ही क्लासिक होती है, ठीक है, तो उससे हमने ट्रिक बना दिया क्लासिक कार एसयूवी। सी से, सी से हमारा हो गया क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, एक सी से हो गया हमारा कारा, एक सी से हो गया हमारा कारा, ठीक है, और जो हमारा एसयूवी, एस से हो गया हमारा स्पायरोगारा, और यू से हो गया हमारा यूलोथ्रिक्स, है ना, और वी से हो गया हमारा वॉलबॉक्स। तो इसकी सिंपल ट्रिक होगी, तो इसकी सिंपल ट्रिक बन गई हमारी क्लासिक कार एसयूवी, ठीक है, क्लासिक कार एसयूवी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम फियोफाइसी, जो फियोफाइसी होता है हमारा, द मेम्बर ऑफ फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, हमने बताया था जो फियोफाइसी होता है हमारा ब्राउन एल्गी होता है, है ना, आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन, जो हमारा ग्रीन एल्गी था वो हमारा फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाया जा रहा था, बट अब धीरे धीरे यहाँ से सब मैराइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तब धीरे धीरे हमारा मैराइन की तरफ शिफ्ट होगा, तो हमारा जो ब्राउन एल्गी होता है प्राइमरली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट, ठीक है, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं हमारी ब्राउन एल्गी। दिस आउट ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, जो हमारी ग्रेट वेरिएशन साइज और फॉर्म में अपनी ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, ये हमारी सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, मतलब सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म हो सकते हैं, जैसे हमारा इक्टोकार्पस जो होता है हमारा ब्राउन एल्गी का फिलामेंटस फॉर्म होता है, इक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड फॉर्म, केल्प जो हमने देखा था केल्प की जो हाइट होती है वो 100 मीटर हो सकती है, मतलब प्रोफ्यूसली ब्रांच मतलब बहुत सारी इसमें ब्रांच होंगी और वो पेड़ के तरीके देखेगा मैसिव प्लांट बॉडी, ठीक है, विच मे रीच टू हाइट ऑफ 100 मीटर, जो कि हमारा केल्प की हाइट होती है वो 100 मीटर तक हो सकती है। दे प्रोसेस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड सी, ये हमारा जो होता है ब्राउन एल्गी जो होती है हमारे, ये क्लोरोफिल ए और इसमें सी होता है, हमने बताया था आपको जो क्लोरोफिल ए होगा वो तो सब में कॉमन होगा, बाकी उसके अलावा अलग अलग, जैसे हमारा क्लोरोफाइथी में था क्लोरोफिल ए कॉमन था और उसके साथ एडिशनल में बी था, ठीक है, इसमें एडिशनल में सी है और भी हैं, ठीक है, दे प्रोसेस क्लोरोफिल ए सी कैरेटिनॉइड जेंथोफिल, मतलब क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफाइसी में हमारा ए और सी था, इसमें हमारा सॉरी क्लोरोफाइसी में ए और बी था, तो फियोफाइसी में हमारा क्लोरोफिल ए और सी है और कैरेटिनॉइड है और जेंथोफिल है, ठीक है। दे वेरी इन कलर, ये हमारे कलर में वेरी करते हैं, ये हमारे कलर में वेरी करते हैं, ओलिव ग्रीन, ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, ये हमारे कलर में वेरी करते हैं, ओलिव ग्रीन होते हैं जो हम बोलते हैं, ओलिव ग्रीन को बोलते हैं तो हमारा जैतून होता है, जैतून ग्रीन, जैतून ग्रीन को हम ओलिव ग्रीन बोलते हैं, ठीक है, ओलिव ग्रीन बोलते हैं, ठीक है, और ये डिपेंड करता है, इसका कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ड्यू टू जेंथोफिल पिगमेंट से, है ना। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, इनमें फ्यूकोजेंथिन और प्रेजेंट होता है हमारा, फ्यूकोजेंथिन होता है और जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से इनका कलर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है और ये ग्रीन टू डिफरेंट हो सकता है। फूड स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिनमें फूड का स्टोरेज होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है फूड का स्टोरेज, फूड स्टोरेज हमारा इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से होता है। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमनेरिया, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमनेरिन, लेमनेरिन और मैनिटोल,
कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे लैमिनिन और मैनिटोल के फॉर्म में हो सकते हैं। द वेजिटेटिव सेल है बे सेलोलॉजिक वाल, सेलोलॉजिक वाल यूजली कवर आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कोट ऑफ एल्जिन। तो हमको ये बताया गया वेजिटेटिव सेल है सेलोलॉजिक वाल यूजली कवर ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। जो हमारी इसमें वेजिटेटिव की जो सेल होती है इसमें सेलोलॉजिक वाल जो कवर्ड होती है हमारी जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन से कवर्ड होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन, इसका जो प्रोटोप्लास्ट कंटेन होता है इन एडिशन टू प्लास्टिड, इनके प्रोटोप्लास्ट को कंटेन करने के लिए ये प्लास्टिड्स होते हैं। ए सेंट्री लोकेटेड वक्यूल्स होता है इसमें, प्लास्टिड होता है सेंट्री लोकेटेड वक्यूल होता है एंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई होल्ड फास्ट। जो हमारी प्लांट बॉडी होती है, जो हमारी प्लांट बॉडी होती है मान लो ये प्लांट बॉडी है और ये सब सबस्ट्रेटम मतलब आधार जो होता है हमारा उससे एक अटैच होती है, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट से मतलब पता चल रहा है, होल्ड मतलब पकड़ेगा, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ के रखेगा। एंड हैज ए स्टॉक, एक स्टॉक होता है एंड इस टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा फ्रेगमेंटेशन से होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा एट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट ब्राउन एल्गी बाई बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर का मतलब जो बाई मतलब होता है दो, फ्लैजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिला, जू स्पोर का मतलब जू स्पोर यानी मोटाइल होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, मोटाइल होगा। बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर होता है मोटाइल होगा। डेट आर पियर सेप, जो हमारा पियर सेप हो सकता है, पियर सेप का मतलब नाशपाती के आकार का हो सकता है। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला, और जो हमारे टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला भी हो सकते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसमें जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है वो हमारा कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो हमारा आइसोगैमस हो सकता है। आइसोगैमस का मतलब सेम टाइप गैमेट हो सकते हैं, एंड आइसोगैमस हमारे डिफरेंट टाइप के गैमेट हो सकते हैं साइज में, और वो गैमस मतलब एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा। मोटाइल कौन होगा, मेल गैमेट मोटाइल होगा वो छोटा होता है इसलिए, फीमेल गैमेट स्टैटिक होगा नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर, जो हमारा गैमेट का मिलाप होता है, यूनियन मतलब कहाँ पे मिलेंगे हम लोग इकट्ठे कहाँ पे होंगे, तो वो हमारा होता है वाटर पे, ठीक है, पानी पे इनका मिलाप होता है भाई, ठीक है। विद इन द ओगोनिया, मतलब ओगोनिया में होता है, यू ओगैमस की स्पेसीज होती है ओगोनिया, ठीक है। द गैमेट आर पेरीफॉर्म, पेरीफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप, ठीक है, एंड बियर टू लेटरल अटैच फॉर फ्लैजिला। पेरीफॉर्म का मतलब होता है जैसे ये होगा, ये तो हमारी एपाइकल पोजीशन होगी, और जो पेरीफॉर्म होती है ये होती है लेटरली, ठीक है, इसको हम पेरीफॉर्म पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। द गैमेट आर पेरीफॉर्म पियर सेप एंड पियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, जिसकी कॉमन फॉर्म जो होती है एक्टोकार्पस होगी, डिक्टियोटा होगी, लैमिनिया होगी, सार्गासियम होगी एंड फ्यूकस होगी, ठीक है, ये हमारी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। अब इसके लिए हमने देख लिया कि इसमें क्या है, जो हमारे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं वो हमारे हैं एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सार्गासम हो गया, फ्यूकस हो गया। बट ये याद हम कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ तो ट्रिक चाहिए ना, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसके लिए हम ट्रिक देखते हैं, क्या होगी इसकी ट्रिक, हमारी ट्रिक है एक सिंपल ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसको, सेल्फ यस ई एल्फ सेल्फ डिफेंस डी ई एफ ई एन सी ई ई, ठीक है। इसकी जो सिंपल ट्रिक होगी सेल्फ डिफेंस, सेल्फ से मतलब हो गया हमारा सार्गासम, ठीक है, ई से हमारा हो गया एक्टोकार्पस, ठीक है, यल से हो गया हमारा लैमिनेरिया, और यफ से हमारा हो गया फ्यूकस, और डिफेंस से मतलब हो गया डिक्टियोटा, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो सिंपल ट्रिक होगी वो हमारी होगी सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस मतलब यस से हो गया हमारा सार्गासम, ठीक है, ई से हो गया हमारा एक्टोकार्पस, यल से हो गया हमारा लैमिनेरिया, ठीक है, और यफ से हो गया हमारा फ्यूकस, और जो हमारा डिक्टियोटा हो गया वो हमारा हो गया डी से, ठीक है, डिफेंस से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं,
रोडोफाइसिन, तुम्हारा रोडोफाइसिक है। तो रोडोफाइसिक क्या है? मेम्बर ऑफ रोडोफाइसिक आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। जो हमारे रोडोफाइसिक के मेम्बर होते हैं उनको हम रेड एल्गी बोलते हैं, बिकॉज प्रीडोमिनेंट ऑफ रेड पिगमेंट। इनमें जो प्रीडोमिनेंट होता है वो रेड पिगमेंट होता है, प्रीडोमिनेंट एक पिगमेंट होता है हमारा आर फाइकोएरिथ्रिन। जो हमारा होता है आर फाइकोएरिथ्रिन होता है वो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होता है इन देयर बॉडी, इनकी बॉडी में आर फाइकोएरिथ्रिन प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होता है, इस वजह से ये रेड दिखते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन। जो ज़्यादातर रेड एल्गी होती हैं वो मेराइन होती है। मैंने आपको बताया था ना क्लोरोफाइसिस से वो तो मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जा रही थी, उसके बाद सब कुछ मेराइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है एल्गी के केस में। ठीक है, इसीलिए इसको मोस्ट एडवांस बोलते हैं। द रेड एल्गी आर मेराइन, मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन, मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन विथ ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। जो हमारी रेड एल्गी की होगी जो मैराइन होती हैं उसकी जो ज़्यादा कंसनट्रेशन यानी ज़्यादा मात्रा में जो ये पाई जाएंगी वो वार्मर एरिया पे पाई जाएंगी, जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो। ठीक है, मैराइन फॉर्म में दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन। ये लाइटेड रीजन पे भी रह सकती हैं, क्लोजली लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जो हमारा मैराइन और सी में होगा जो वाटर के ऊपर सरफेस होगी उसके क्लोज भी रह सकती हैं और बहुत डीप में भी रह सकती हैं। एंड आल्सो ग्रेट डीप, मतलब बहुत गहराई पे भी रह सकती हैं इन ओशियन, समुद्र में। ठीक है, तो समुद्र में होगी पानी की तलहटी पे यानी ऊपर भी रह सकती हैं और बहुत गहराई पे भी रह सकती हैं। वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनेट्रेट, यहाँ पे लाइट बहुत ही कम मात्रा में पेनेट्रेट करती है यानी डेप्थ में जो हमारा ओशियन का डेप्थ होता है वहाँ पे लाइट बहुत ही कम मात्रा में पेनेट्रेट कर पाती है, वहाँ पे भी हमारी रेड एल्गी पाई जाती है। ठीक है, द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेलर। जो इनकी रेड थैली जो होती है मोस्ट ऑफ रेड एल्गी की जो होती है मल्टी सेलर होती है, ये मल्टी सेलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें किसी किसी में इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड स्टोरेज एज फ्लोडेरियन स्टार्च, इनमें जो फूड स्टोरेज होता है वो फ्लोडेरियन स्टार्च के रूप में होता है। ये फ्लोडेरियन स्टार्च होता है वेरी सिमिलर टू एमाइलोफैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये हमारा जो फ्लोडेरियन स्टार्च होता है वो बहुत सिमिलर होता है एमाइलोफैक्टिन और ग्लाइकोजन में उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ठीक है, द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन। जो हमारी रेड एल्गी होता है वो मेनली जो हमारा रिप्रोड्यूस करती है, ज़्यादातर एल्गी जो हमारी फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स। जो हमारी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करती हैं, एंड सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल, सेक्सुअली जो होगा वो नॉन मोटाइल गैमेट से होगा। ठीक है, नॉन मोटाइल गैमेट से होगा, सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस, जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस होता है, एंड एकॉम्पनेड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा ओगैमस टाइप का होता है और इसमें एक कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। द मेम्बर द कॉमन मेम्बर इसके क्या हैं, रेड एल्गी के एग्जाम्पल क्या हैं, इसके कॉमन मेम्बर क्या हैं, तो पॉलीसेफाइनिया एंड पोरफायरा ग्लेसेरिया एंड जेलेडियम। तो इसके जो कॉमनली एग्जाम्पल हैं पोरफायरा हो गया, पॉलीसेफोनिया हो गया, जेलेडियम हो गया, ग्लेसेरिया हो गया। तो अब इसके लिए हम ट्रिक क्या याद करेंगे, ट्रिक तो चाहिए याद करने के लिए है ना, तो इसके लिए हम सिंपल ट्रिक बना सकते हैं पी स्क्वायर जी स्क्वायर। एक पी से हो गया पोरफायरा, एक पी से हो गया पोरफायरा हो गया और एक पी से हो गया हमारा पॉलीसेफानिया हो गया p²g²। तो यानी एक पी से हो गया पोरफायरा, एक पी से हो गया पॉलीसेफोनिया और एक जी से हो गया जेलेडियम, एक जी से हो गया ग्लेसेरिया। ठीक है, तो और हम देख लेते हैं।
इस टेबल में क्या दिया हुआ है, ये 3.1 टेबल जो हमारी एनसीईआरटी की, इसमें क्या दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर, कि एल्गी का डिवीजन और उनके कैरेक्टर के बारे में हमको बताया गया है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एल्गी के एग्जांपल का जो हमारा टेबल दिया हुआ था, चार्ट दिया हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक तो बता दी, एग्जाम्पल भी बता दिए, बट मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ इसके बाद में। ठीक है, इसमें एल्गी की जो मेन कैरेक्टर्स थे और मतलब उसकी क्लासेस क्या थी ये देखते हैं। एल्गी की 3 क्लासेस हमने डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मैंने सबको बता दिया है, बाकी एक समराइज मैनर पे है, आप अगर आप इतने टेबल भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन निकाल लेंगे अच्छे से एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी क्लासेस हो गई, और ये कॉमन नेम हो गया, इसमें मेजर पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, स्टोर फूड क्या होता है, सेल वॉल किस टाइप की होती है, कैसे बनी होती है, इसमें फ्लैजेला होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है, एपाइकल होते हैं या पेरीफेरी होते हैं, है ना, पेरीफेरी यानी लेटरल होते हैं, है ना, इनकी हैबिटेट क्या होता है, मतलब कहाँ पे रहते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्लोरोफाइसी, जो पहला हमारा है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते थे, हमने पढ़ लिया है। इसके जो मेजर पिगमेंट होते हैं, हमने बताया था क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन होगा, सारी जितनी एल्गी की क्लासेस हैं सारे में क्लोरोफिल ए कॉमन होगा, बाकी अलग क्या होगा, किसी में बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना, ये सब। और इसमें क्लोरोफाइसी में मेजर पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए एंड बी, और इसका जो फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इसमें जो वाल होती है सेलुलोजिक वाल होती है, सेलुलोज की बनी होती है वाल। ठीक है, इसमें जो फ्लैजेला होते हैं, इसमें जो फ्लैजेला होते हैं, इसमें होते हैं 2 से 8, 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं, 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं, जो कि इक्वल होते हैं, इक्वल मतलब बराबर साइज सेम होगा उनका, और एपाइकल होंगे, एपाइकल मतलब एपेक्स पे होंगे, यानी मतलब हमने आपको बताया था एपाइकल मतलब 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं और ये एपेक्स पे हो सकते हैं, इसको हम इस पोजीशन को एपाइकल बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो हैबिटेट होगा, हैबिटेट क्या हो सकता है, हैबिटेट मैंने बताया था जो ग्रीन एल्गी हैं वो फ्रेश वाटर हो सकती है, मराइन वाटर हो सकती है। ठीक है, दोनों होते हैं, तो इसका जो हैबिटेट हो गया ये फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ब्रैकिश मतलब बोलते हैं खारा पानी, जहाँ पे हमारा जो पानी होता है खारा होता है, यानी समुद्री पानी होता है, है ना, और एक साल्टी वाटर जो नमकीन पानी होता है, ये होता है। ठीक है, अब सेकंड क्लास देख लेते हैं इसकी हम, फियोफाइसी, फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये हमने जगह इसका कॉमन नाम क्या है, ब्राउन एल्गी। इसमें जो मेजर पिगमेंट होगा, ए तो सब में कॉमन था, तो ए तो होएगा होएगा। ठीक है, ए के बाद क्या हो गया, इसमें सी हो गया और फ्यूकोजेंथिन हो गया, एक बात सी हो, फ्यूकोजेंथिन हो गया। इसमें जो स्टोर जो होता है, फूड स्टोर जो होता है, वो किस फॉर्म में होता है, ये मैनिटॉल होता है, मैनिटॉल और लेमिनेरिन, लेमिनेरिन और मैनिटॉल के बेसिस पे फूड स्टोर होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। ठीक है, इसमें जो सेलवाल होती है वो सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज भी इसमें, सेलवाल में भी जो सेलुलोज है वो सब में कॉमन आएगा, उसके अलावा जो फियोफाइसी में हमारा एल्जिन है और रोडोफाइसी में अलग अलग और भी है ना, तो हमारे इसमें सेलुलोज जो, इसकी जो सेलवाल बनी होगी फियोफाइसी की, सेलुलोज की बनी होगी और एल्जिन की बनी होगी, और इसमें जो फ्लैजेला होंगे, फ्लैजेला होंगे तो कैसे होंगे, 2 होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब उनका साइज सेम नहीं होगा, और वो लेटरल होंगे। ठीक है, मतलब साइड में ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये इसको हम लेटरल बोलते हैं। और जो हमारा होता है, इसका हैबिटेट क्या होगा, ये फ्रेश वाटर होंगे, कम होंगे, क्योंकि हमारा क्लोरोफाइसिस से जैसे जैसे हम रेड एल्गी की तरफ जा रहे थे, हमारा एडवांसमेंट बढ़ रहा था मराइन की तरफ। ठीक है, मराइन की तरफ सब कुछ शिफ्ट हो रहा था, फिर फ्रेश वाटर तो कम होंगे, ब्रैकिश वाटर हो सकते हैं और साल्ट वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा रेड एल्गी आ गया, रेड एल्गी को मोस्ट एडवांस एल्गा बोलते हैं, रेड एल्गी को। ठीक है, इसमें जो रोडोफाइसी, इसका रोडोफाइसी का जो कॉमन नेम है हमारा वो रेड एल्गी है। ठीक है, इसमें मेजर पिगमेंट क्या होंगे, क्लोरोफिल एक तो कॉमन होगा, एक ही एडिशनल में डी होगा, वो फाइकोजेंथ्रिन होगा, और जो इसमें स्टोर फूड होता है वो फ्लोरोडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो इसमें सेलवाल बनी होती है सेलुलोज की, तो बनी होती है आउटर सेलुलोज होगा, इनर पेक्टिन होगा एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर होगा, आउटर सेलुलोज होगा, इनर पेक्टिन होगा एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर होगा। ठीक है, ये हमारा सेलवाल ऑफ रेड एल्गी है। ठीक है, इसमें जो होता है फ्लैजेला नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसको एडवांसमेंट यानी एडवांस एल्गी तभी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें भाई एक जगह पर पड़ा रहेगा, जिसको आना है भाई आएगा इसके पास। ठीक है, ये एडवांस होता है,
इसमें फ्लैजला होते हैं अब्सेंट होते हैं यानी नॉन मोटाइल हो गए, ठीक है। इसमें ये होगा फ्रेश वाटर में, तो कुछ वाटर फ्रेश वाटर में थोड़े बहुत पाए जाएंगे, और ज़्यादातर इसके जो होते हैं मोस्ट होते हैं वो साल्टी वाटर पे पाए जाते हैं, सी वाटर पे पाए जाते हैं, और कुछ इसके ब्रैकेट्स वाटर में भी पाए जाते हैं। तो फिलहाल इस टेबल के बारे में तो मैंने बात कर ली है, अब आपको एग्जांपल के बारे में दिखाते हैं जो हमें एल्गी के एग्जांपल्स वगैरह में और उसके डायग्राम वगैरह में, ठीक है। तो ये जो हमको एग्जांपल दिया हुआ है ये हमारे ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल ये हमारा जो है वॉलवॉक्स है, ये वॉलवॉक्स के एग्जांपल है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम बोलते हैं, ठीक है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम बोलते हैं, COENOVIUM। ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम बोलते हैं। और ये जो हमारा एग्जांपल दिया हुआ है ये हमारा यूरोथ्रिक्स का है, ये जो एग्जांपल हमका यूरोथ्रिक्स को दिया गया है, ये यूरोथ्रिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। ये अब हम देख लेते हैं, ये हमारे जो एग्जांपल दिए गए हैं ये ब्राउन एल्गी की हैं और रेड एल्गी के हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल ये दिया है B.1, ये हमारा ब्राउन एल्गी का है। ये हमारा है लेमनेरिया का, लेमनेरिया की जो है ये हमारा लेमनेरिया का एग्जांपल है, लेमनेरिया का हो गया। और ये हमारा जो हो गया ये फ्यूकस का हो गया, और ये जो हमारा है डिक्टियोटा का है, ठीक है। इसमें जो होल्ड फास्ट हैं इस टाइप है, ये लीव लाइक स्ट्रक्चर जो है फ्रॉड, जिसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा फ्यूकस में इसमें भी होल्ड फास्ट हैं और मिड रिप्स हैं इसमें, और फॉर्न है और एयर ब्लेडर है जो कि बॉयंसी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एयर ब्लेडर का काम होता है हल्का करता है और बॉयंसी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारा डिक्टियोटा में इसमें भी फ्रॉन है और स्टाइफ है, ठीक है। और हम देख लेते हैं हमारे जो हमारे रेड एल्गी के हमारे दो एग्जांपल दिए गए हमको, कौन कौन से, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ये हमको पोरफायरा का है, ये हमारा पॉलीसिफोनिया का है, ठीक है। तो फिलहाल इस एल्गी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने सारी एल्गी के सारे क्लासेस के बारे में पढ़ लिया, और उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया, उनके एग्जांपल के बारे में पढ़ लिया बिग ट्रिक के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जो कि हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, और फिर फर्दर टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नियोस्पर्म एंड मेनी मोर्स। सो थैंक यू, टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे, बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई सेशन सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।